नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थांकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रोजाना बहुत मेहनत करके हम लोग आप लोगों के लिए चुनिंदा उन टॉपिक्सों को लेकर आते हैं जो आपके जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिसे जानने के बाद आप अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, जिसे जानने के बाद आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, जो आपके अंदर सकारात्मक जो एक ऊर्जा है वो उत्पन्न करता है, आप लोगों को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लेके जाता है, आप लोगों को अंधविश्वास से बचाता है। लगातार आचार्य जी रोजाना आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्सों को चुनकर, उन पर एक्सपेरिमेंट कर, उस पर काफी मेहनत कर, पूरे दिन उस पर लग कर, फिर आप लोगों के लिए हम ये अपने आधे घंटे के कार्यक्रम के लिए आप लोगों के लिए टॉपिक ढूंढ कर लाते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारे दो विषय चल रहे थे, पहला विषय आप लोगों को कल हमने बताया था कि किस महीने में आपका जन्म हुआ है, उस जन्म के हिसाब से क्या आपका स्वभाव है, क्या आपका भविष्य है, किस तरह के आप व्यक्ति है, कैसा आपका व्यक्तित्व है, उसके विषय में बताया था। तो कल आचार्य जी ने आपको 6 महीनों के विषय में बता दिया था, शेष जो 6 महीने बच गए हैं उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो हमारा वास्तु का टॉपिक चलता आ रहा है उसके बाद उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग जो बाकी 6 महीने बच गए हैं उसके विषय में आज हम आप लोगों को बताएं कि बाकी 6 महीने में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनका कैसा स्वभाव है, कैसा व्यक्तित्व है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। और सागर साहब, आप सरकार, आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे? जी बिल्कुल आचार्य जी, आशीर्वाद आपका। थोड़ा मौसम बढ़िया नहीं है, थोड़ा मॉइस्चर बहुत है, अपना ध्यान रखिएगा। और सभी लोगों से भी कहना चाहता हूँ अपना ध्यान रख के, क्योंकि अभी आने वाले जो 15 दिन है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। कल हम आपसे बात कर रहे थे कि किस महीने में यदि आपका जन्म होता है तो आपकी नेचर कैसी होगी, आपकी पसंद कैसी होगी, आपका लकी नंबर क्या होगा और आपका जो कलर है वो कौन सा होगा। जी दोस्तों, ये तो आपको सरकार ने बताया कि हम लोग मेहनत करके लेके आते हैं, सच में हम लोग मेहनत के साथ साथ टाइप भी करते हैं और उसके बाद आपको लेके आते हैं, ऐसा नहीं मजाक में। एक व्यक्ति ने अभी मुझे पता चला ये कहा साहब, मैंने उसको बताया था इस उम्र से आप काम कर रहे हैं, उनने इनसे कहा इनको कैसे पता चल जाता है। दोस्त, जब किसी विद्या में आप घुस जाएंगे अंदर, उसकी बारीकी तलाश करेंगे और उसको पढ़ेंगे, तो मैं तो क्या, आप लोग भी वो सब चीज पा सकते हैं। हमारा टॉपिक ही इस बात के ऊपर है, हम चले ज्ञान की ओर, अज्ञानता भूल जाए, ज्ञान की ओर। अधूरे ज्ञान से सिवा नुकसान के कभी कुछ नहीं होता, हमें कंप्लीट ज्ञान लेके तब आपको ज्ञान देने में ही लाभ है, अदरवाइज तो हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए मैंने जब मैं आपके सामने आपकी दैनिक कुंडली को पढ़ता हूं, मैं हमेशा कहता हूं आज रविवार है, कुछ ऑफिस बंद होंगे, लेकिन कुंडलियां जो लिखी जाती है वो आपके काम के, आपके धर्म के, आपके किसी और चीज के हिसाब से नहीं लिखी जाती। कुंडलियां लिखी जाती है उस दिन जो स्टार अपना फलित कर रहा है वो क्या फलित करेगा, उसके आधार पर कुंडलियां लिखते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ जुलाई के महीने की बात करते, कल हमने आपको जून तक बताया था जी। तो जुलाई में जो पैदा होने वाले जातक हैं वो बड़े अद्भुत और असाधारण होते हैं जी। इन्हें समझना टेढ़ी की तरह है, इन्हें का दिल बहुत कोमल होता है और प्रबंधन के क्षेत्र में ये कमाल के व्यक्ति होते हैं जी। आलस उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा होता है, आलसी बहुत होते हैं, ऐसे लोग आलसी पाए जाते हैं। घर हो या बाहर, ऐसे लोगों को हर जगह पसंद किया जाता है। साथ ही ये लोग पैसे की कभी परवाह नहीं करते, प्यार के मामले में इनका संप्रण बहुत ही विश्वसनीय है। ऐसे इंसान यदि किसी से प्रेम करते हैं तो टूट के करते हैं। ऐसे इंसान अगर किसी के पति बने या पत्नी बने तो हमेशा साथ में रहने की कोशिश करते, तोड़ते नहीं है अपनी तरफ से। आपका जो लकी नंबर है वो है 4, 2 और 9 जी। और अगर आप चाहें तो एक 4 मुखी रुद्राक्ष आप अपने गले में डालें तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन रुद्राक्ष असली होना चाहिए। आजकल इंडोनेशिया का आ रहा है, काम नहीं करता। और आपके जो लकी कलर है वो दूधिया सफेद, यानी कि मिल्की व्हाइट, ब्लू और ऑरेंज, ये कलर आप पे हमेशा फबेंगे,
आपको जब भी शुभ कार्य के लिए जाना हो तो इन कलर का प्रयोग कीजिए। इसके बाद जो अगला महीना आता है अगस्त का, मैं समझता हूँ शायद सरकार का भी इन्हीं महीनों में जन्म हुआ है, तो उनको भी आज पता चलेगा कितना मैं सही बोल रहा हूँ कितना गलत बोल रहा हूँ। तो डियर आपका जो मंगल बर्थ है अगर अगस्त का है तो आप एक नंबर के कंजूस और मनी माइंड हो सकते हैं जी। आप टैलेंटेड तो हैं लेकिन जितने सज्जन आप दिखाई पड़ते उतने हैं नहीं जी। अर्थात बोलचाल की भाषा आपकी बहुत सुंदर और अच्छी होगी लेकिन अंदर से थोड़ा कुटिल हो सकते हैं जी। आप ज्यादा दोस्त बनाने में विश्वास नहीं रखते और अपनी ओर से कभी दोस्ती नहीं निभा पाते। आपको मेरी बात बुरी लग रही है लेकिन सच्चाई जो है वो मैंने आपके आगे रखी। बेकार की जिद आपको आगे बढ़ने से रोकती है। पैसे के सामने रिश्ते नाते दोस्ती प्यार सब आपके लिए बकवास के अलावा कुछ नहीं। आपका जो लकी नंबर है वो चंद्रमा का 2 नंबर है, फिर 5 नंबर है, फिर धनु का 9 नंबर है। थोड़ा आपको जिद से बचना चाहिए तो लाभ आपको बहुत होगा। आपका जो लकी कलर है सलेटी गोल्डन और रेड है। जी यह अगली बात करते हैं सितंबर की। अगर आपका बर्थ सितंबर में हुआ है तो आप तानाशाह प्रवृत्ति के हैं। आप दिल के उदार हैं लेकिन एक अजीब सी सनक आप में पाई जाती है। आप में सीखने और समझने की शक्ति बहुत है मगर आपकी जिद के आगे आप परेशान हो जाते हैं। खुद को कैसे निरंतर आगे बढ़ाया जाए यह कोई आपसे सीख सकता है। अपने नजदीक के लोगों से आपकी अपेक्षाएं अधिक होती है, यहाँ तक कि प्यार के इजहार में भी आप पर अहंकार हावी रहता है। आपको जीवन में संघर्ष भी खूब करना पड़ता है तभी आप परिपूर्ण बन पाते हैं। आपका जो लकी नंबर है वो 7, 9 और 3 है और आपका जो कलर है वो ब्लैक सी ग्रीन और गोल्डन है। अगर आप गोल्डन कलर का धागा अपनी बाजू पे बांध ले तो आपको बहुत लाभ होगा। और अगर आप 9 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर ले तो बहुत फायदा होगा। या एक सुनहला अपने इंडेक्स फिंगर में पहन ले, चाहे वो चांदी में या मेटल में बना के पहन ले तो भी आपको लाभ होगा जी। बात करते हैं अक्टूबर के महीने की। अक्टूबर का महीना वैसे तो सर्द महीना हो जाता है, शुरू शरद ऋतु होती है तो वो चीजें व्यक्ति के जातक के अंदर दिखाई देती है। अक्टूबर में जन्मे युवा शांत और स्मार्ट होते हैं। आप अपने आसपास रहस्यमय घेरा बना कर रखते हैं। हर किसी से आपकी दोस्ती नहीं होती। आप खुद को अनूठे अंदाज में पेश कर सबका दिल जीत लेते हैं। मुसीबतों से उबरने की ताकत आप में है और घोर निराशा के दौर में भी आप निकल आते हैं। निरंतर श्रेष्ठता के सपने देखते और उसे पूरा करने के लिए प्रयास भी करते हैं। आपका लकी नंबर 2, 6, 7 और 8 है। लकी कलर आपका मैरून पिकॉक ग्रीन और ब्लैक है। आपको मैं ये और कहना चाहता हूं कि आप अपने हाथ में एक ओपल पहने, रिंग फिंगर में लेफ्ट हैंड में, तो आपको आपकी योजना बनाने में लाभ होगा। इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो आईटी के फील्ड में है उनको बहुत लाभ होगा। जो लोग अक्टूबर में जन्मे और पत्रकार हैं, एक समय ऐसा जरूर आता है उनकी लाइफ में कि वो ऊंचाई पर पहुंचते। आता है नवंबर माह। अगर नवंबर माह में आपका जन्म हुआ है तो आप दुनिया की भलाई के लिए जन्मे हैं। आप अत्यंत दयालु परोपकारी हैं। आपकी सहन शक्ति भी गजब की है। आप सबके भी सामंजस्य बैठाने का काम बखूबी करते हैं। दुनिया आपको बड़े शांत और सौम्य रूप में जानती है लेकिन आपके अंदर गुस्से का तूफान भरा रहता है। आप पे गुस्सा बहुत आता है। मन आपका बच्चों की तरह होता है इसलिए बच्चों से इन्हें बड़ा प्रेम होता है। चाचा नेहरू इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। सावधान रहे और सदा आगे बढ़ते रहिए। आपकी जिंदगी का मूल मंत्र होना चाहिए। लकी नंबर है आपका 3, 1 और 7। आपको मूनस्टोन अपने रिंग फिंगर में पहनना चाहिए सोमवार को। इससे आपको लाभ होगा। अगर आप अपने पिता के चरण छूते हैं तो आपको हर जगह पर सम्मान की प्राप्ति होगी। ये मेरे कहे हुए वचन आप नोट कर लीजिएगा जी। अब आते हैं दिसंबर माह। आपका जो लकी कलर है वो पिंक सफेद और चॉकलेटी है। दिसंबर माह की बात करते हैं। अगर इसमें जन्मे हुए जातक है
बहुत सर्द का महीना होता है, अच्छी ठंड होती है भारत में, तो आप लोग आलसी हो जाते हैं, बिस्तर में पड़ा रहना, चाय के घूंट मारना आपकी आदत में होता है, आप आलसी के साथ साथ खुद को लेके एक अजीब किस्म के अभिमानी भी हो जाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति के कारण हमेशा घर के लोगों से उलझते रहने आपकी स्थिति होती है। आपको लगता है पूरी दुनिया आपको नहीं समझ सकती, मगर सच यह है कि दुनिया के साथ तालमेल बैठाकर चलना आपको नहीं आता। चारों तरफ के लोग बस आपकी तारीफ करें, आपको यही पसंद है। आपको जो आदर्शवादी और सिद्धांतवादी होने की जरूरत है, तभी आप लाभ उठा पाएंगे। साथ ही आपको बहुत ऊंचाई या गहरे पानी में जाने से बचने चाहिए। आपका लवी लकी नंबर है, सूर्य का नंबर 1 है, फिर गुरु का 3 है और शनि का 8 नंबर आपका लकी का नंबर है। और कलर आपका जो है येलो ब्राउन और रेड आपका कलर है। मेरा कहना यह आपकी, अगर आप सनातन धर्मी हैं तो आपकी सीधे हाथ में कलावा हमेशा लाल रंग का बंधा रहना चाहिए, उससे आपको थोड़ा शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। आपको सफेद रंग का दूध नहीं पीना चाहिए, दूध में केसर या हल्दी डाल के तब दूध पीना चाहिए। इसके अलावा रात को गर्म पानी आपको जरूर पीना चाहिए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ बने रहे। ये थे आपके 6 आज के महीने, 6 कल बताए थे, इस प्रकार 12 महीने हमने हिंदी तिथि की जगह इंग्लिश तिथि से आपको बताए। जी जी आचार्य जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए। उम्मीद है दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम काफी पसंद आ रहा होगा, और अपने जन्म माह के अनुसार आप अपने विषय में भी काफी कुछ आज जान गए होंगे कि किस तरीके का आपका व्यक्तित्व है, क्या आपको पसंद है, क्या आपकी पसंद है, क्या आपका लकी कलर है, क्या आपका लकी नंबर है। दोस्तों, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि वास्तु को लेकर जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था, कल आप लोगों ने जाना था कि वास्तु में दिशाओं का जो है, वास्तु में वास्तु और 5 तत्वों के विषय में कल आपने जाना था कि वास्तु और 5 तत्व आपस में इनका क्या मिलान है और इसका क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु और ज्योतिष के संबंध में, तो मैं चाहूंगा आचार्य जी आज इसके विषय में थोड़ा सा दर्शकों का मार्गदर्शन करें। देखिए, ज्योतिष के अंदर 12 खाने होते हैं, 1 से लेके 12 तक, और वास्तु के अंदर 10 खाने होते हैं, ईशान से लेके धरती तत्व तक। जी, हर कोने का एक स्वामी होता है, और यहाँ पर भी ज्योतिष के अंदर अगर आप देखेंगे तो 7 स्वामी 12 घरों के मालिक होते हैं, जिसमें से 2 को स्टार होते हैं, राहु और केतु। अगर कुंडली के हिसाब से देखें हम, तो अपने घर को देख के जो हमने खुद ने बनाया है, अपनी कुंडली का अंदाजा लगा सकते हैं। जी, अगर अपना घर बनाना है, अगर आपने कुंडली के आधार पे घर बनाना है, तो उसके अंदर वास्तु में कई बार गलतियां देखी जाती है। जी, आप घर को वास्तु के हिसाब से बनाइए, और जो बना हुआ घर है उसे कुंडली के हिसाब से देखिए, तो आपका घर बिल्कुल बढ़िया बनेगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। जी, अगर आपका घर में अग्नि कोण खराब है, यानी रसोई वाला क्षेत्र खराब है, बननी रसोई थी, बना कुछ और दिया, तो आपका कुंडली में शुक्र खराब होगा। जी, इसकी वजह से आपकी वैवाहिक अर्चन या पत्नी के साथ आपके संबंधों में फर्क दिखाई देगा। अगर आपका वायव खराब है, तो कुंडली में आपका चंद्रमा खराब होगा, वो दोषपूर्ण होगा, या 0 डिग्री का होगा, माइनस के अंदर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वायव खराब होने से आपको कफ की अधिकता बनेगी, गला दांत टूटने लगेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपका साउथ वेस्ट खराब है, जी, तो मैंने देखी ना ये चीज कि कहीं ना कहीं राहु केतु आपके आपको परेशान कर रहे हैं। जी, अगर आपका ईशान खराब है, जी, तो आपके पिता आपसे दुखी हैं, जी, आपका सूर्य खराब है, आपको चश्मा लगा हुआ होगा,
आपके गंजेपन के शिकार हो जाएंगे जी, आपकी नाक ऊंची दिखाई देगी, जैसे जर्नल नाक होती है ये चोंच ऊंची दिखाई देगी जी, इसके अतिरिक्त घर में स्वास्थ्य में कमी बनी रहेगी, कहीं ना कहीं बीपी की स्थिति भी खराब रह सकती है जी। आपका पूरब खराब है, तो आपका पूरब खराब होने से सूर्य के साथ साथ बुध भी खराब हो जाता है जी। अगर आपका पश्चिम खराब है तो शनि खराब होने के होने के साथ शुक्र भी खराब हो जाता है जी। यदि आपका उत्तर खराब है तो बुध खराब होने के साथ साथ चंद्रमा भी खराब होता है जी। घर में रखा हुआ पैसा उड़ जाता है, घर में बरकत खत्म हो जाती है, और अगर आपका भ्रम स्थल खराब है तो ये मान लीजिए कि आपका जीवन खराब है जी। तो इस प्रकार हम लोग 12 राशियों की 12 घरों की तुलना 10 घरों से करते हैं और पता चल जाता है कुंडली में, इसकी कुंडली में अगर घर आपका बनाया हुआ है और पिता का बनाया हुआ है तो पिता की कुंडली से, दादा का बनाया हुआ है तो दादा की कुंडली से, और बिल्डर का बनाया हुआ है तो बिल्डर की कुंडली से, चाहे वो आप ही ले चुके जी, क्योंकि तो बिल्डर ने आपको ध्यान में रख के घर नहीं बनाया, बिल्डर ने जनरल घर बनाए, आपने अगर लिया वो आपका दुर्भाग्य या आपका भाग्य है, लेकिन बिल्डर की कुंडली से नहीं बता सकते वहां पर क्या कमी होगी। तो इस प्रकार कोऑर्डिनेशन ऑफ द ज्योतिष और वास्तु आपके सामने मैंने बताया है, लेकिन अगर आप वास्तु के हिसाब से घर बनाते तो सीधा सीधा बताता हूं, अपना पूरब खुला रखो, उत्तर नीचा रखो, पश्चिम से वायु आने का रास्ता रखो, हवा आने का, वायु का मतलब हवा आने का जी। दक्षिण में थोड़ी सी गर्माहट आए, लेकिन पर्दे बड़े होने चाहिए, घर ऐसा नहीं तपिश से भर जाए, और भ्रम स्थल खुला होना चाहिए जिससे वहां पर आने पे सारी ऊर्जा का संचार वहां इकट्ठा होके आपके पूरे घर में फैलने लगे, और साउथ वेस्ट को हमेशा शीर्ष पर रखो, ऊंचा रखो, वो धरती तत्व है हमारा, जिस घर के आकाश तत्व धरती तत्व मजबूत होते हैं वो व्यक्ति गरिमा प्रदान करने वाला होता है, संसार में पैसा हो या ना हो समाज चलते फिरते उसको मिलता है, समाज उसको शीर्ष नजरों से देखता है जी। तो ये है कोऑर्डिनेशन ऑफ वास्तु एंड ज्योतिष, धन्यवाद जी सरकार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, ज्योतिष के विषय में और वास्तु और ज्योतिष के विषय में इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए। कुछ सवाल आज हमारे पास आ चुके हैं, आज हम थोड़े से सवाल एक आध सवाल ज्यादा रखेंगे। पहला सवाल आचार्य जी विक्की साहू जी का आया है, दिल्ली में इनका जन्म हुआ है 1 जुलाई 1993 को, 1983 जी, समय है 11 बजे रात के, इनकी शादी को 3 साल हो गए हैं, जानना चाहते संतान योग कब तक बन पाएगा। इनकी इनके पत्नी के साथ वैचारिक संबंध बिल्कुल शून्य है, 3 साल जरूर हो गए, लेकिन इनके जो वैचारिक संबंध है वो बहुत कमजोर है, अर्थात इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं है इनकी पत्नी और इनके बीच में। कारण इसका यह है कि इनका शनि बहुत खराब है, लगन के अंदर बैठा है, जब इनकी टाइमिंग बढ़िया नहीं होगी तो संतान कहां से आएगी, ऊपर से चंद्रमा राहु से पीड़ित है, पितृ दोष है, इन्हें किसी अपने वैवाहिक दिवस पर जाके पुनः रुद्राभिषेक करके भगवान शिव की मूर्ति को माला पहना के और पुनः एक दूसरे को वरमाला पहनाए, उससे इनकी तकलीफ दूर हो जाएगी, इनके संबंध अच्छे हो जाएंगे और ये पिता बन सकेंगे जी। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है विक्की साहू जी आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप
नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको इसके सकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला सवाल जो हमारा आया है ये सदूलपुर राजस्थान से आया है, पुनित पुनिया जी ने हमें भेजा है। इनका जन्म हुआ है 18 सितंबर 1999 को सदूलपुर राजस्थान में। शाम को 4 बजे का समय है इनका जन्म का, और पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता, खेलकूद में काफी ज्यादा एक्टिव है, कबड्डी और कुश्ती जैसे खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, तो क्या इस क्षेत्र में इनको सफलता मिलेगी ये जानना चाहते हैं। इनका मकर लगन धनु राशि है, इनको अपना खेल के अंदर ये जाए, लेकिन पढ़ाई इनके लिए जरूरी है, बुध आदित्य योग है, कमाई तो ये कर ही रहे हैं, अभी भी कमाई कर रहे हैं। एक तो इनको नजला रहता है, कफ की अधिकता रहती है, दूसरी बात ये गुरु और शनि इनके अंदर अच्छा है, दूसरों की इज्जत करना जानते हैं। इन्हें पढ़ाई में मन लगाने के लिए हरे रंग की तुरमुली, हरे रंग की तुरमुली लगभग 7 कैरेट की अपने बुध में इस वाली उंगली में कनिष्का में पहन लेनी चाहिए, मेटल में बनवा के या सोने में बनवा के, पढ़ाई में इनका मन लगने लगेगा। ऊपर से अगर ये पहलवानी में जा रहा है, इनको जाना चाहिए, उसमें ये कामयाब हो जाएंगे। जी, इनका जो चंद्रमा है वो थोड़ा खराब है, इनको गर्म पानी पीना चाहिए, उससे इन्हें लाभ होगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है पुनीत जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं, नियमित तौर पर इन उपायों को अपने जीवन में आप करना शुरू कीजिए, आपको सफल परिणाम जो है वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अगला सवाल जो हमें भेजा है वो निष्ठा कक्कर जी ने भेजा है, पटियाला पंजाब से। इनका जन्म हुआ है 27 अगस्त 1985 को और समय है इनका रात के 2 बजे, स्थान है पटियाला पंजाब। स्वास्थ्य इनका खराब रहता है, मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, काफी परेशान है, जानना चाहती है स्वास्थ्य को लेकर क्या उपाय किए जाए। आपका मिथुन लगा धनु राशि है, पानी की आपके शरीर में अधिकता है, उससे आपकी चर्बी कार्ब या सातवें घर के अंदर आपका चंद्रमा है, आपका जो विवाह होगा वो आपका 1985 बताया, उसके बाद से आपका वजन बढ़ा होगा, उससे पहले आप स्लिम रही होंगी। आपको गेहूं का आटा छोड़ देना चाहिए, चने का आटा आपको भोजन में प्रयोग करना चाहिए। रही बात ऐसी शुक्र और मंगल की युति आपकी है तो आपको एक ओपल जरूर पहनाना चाहिए 8.5 कैरेट का। उसके बाद आपको पानी के मामले में ओला व पानी आपको पीना चाहिए, दूध आपको कलर बदल के पीना चाहिए और जम के भोजन करना चाहिए, लेकिन सात्विक भोजन, उसके अंदर भी रोटी खाइए, चाहे घी चुपड़ के खाइए, चने की रोटी खाइए। आपको मैदा और सूजी से हमेशा बचना होगा, गेहूं के आटे की जगह चने का आटा खाइए। आपका 1 महीने में कम से कम 6 किलो वजन कम होने लगेगा। कोशिश करें सपरेटा दूध आप सुबह दोपहर शाम 1 गिलास जरूर पिए। साथ में आपको ओपल पहनने से आपकी मानसिक जो अशांति आपसे खत्म हो गई है वो मानसिक शांति मिलने लगेगी। कारण ये है कि जो बेडरूम पार्टनरशिप है उसमें भी आपके में कमी है। शनि के साथ केतु है, अच्छा है, लेकिन आपका मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, मन आपका भागता रहता है, थोड़ा मन को भी आपको अपने ऊपर करके लाभ उठाना पड़ेगा। तो थोड़ा घूमने जाइएगा, निश्चित तौर से आपका कल्याण होगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। जो भी उपाय आचार्य जी ने आपको बताए हैं उन उपायों को करिए, निश्चित तौर पर आपको इसके सकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही दर्शकों, कल फिर कुछ नई जानकारियां आपके जीवन से जुड़ी, आपके धर्म से जुड़ी, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी ऐसी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगी, अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर जाएगी। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सके। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन के सबसे पहले हमारी वीडियोस को पाइए, ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है
और आपको नहीं समझ में आ रहा है इससे कैसे पार पाया जाए, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं, आचार्य जी से आप अपनी समस्याओं को कह सकते हैं और उनके निदान आप पा सकते हैं, ऐसे निदान ऐसे उपाय जिन्हें कर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे और आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते चलेंगे, आप अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ते चलेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी प्रेजेंट, सतमोला प्रेजेंट, सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।